राजीव के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो इम्बार्केशन पॉइंट तक जाने की, क्योंकि उनको 3 दिन पहले वहां जाकर रिपोर्ट करना पड़ता था। और हाजी जब हज पर जाता है तो कम से कम उसके साथ 10 लोग जरूर जाते हैं छोड़ने, तो उसका खुद का, उनके साथ जाने वालों का रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम और उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल काम था। इसलिए हमने इस बार कोशिश किया है, हमने सरकार से बात की है, उसकी मान्यता ली है कि हम जो रिपोर्टिंग है हम उनके शहर में, यानी कि नांदेड़ के हमारे हाजी हैं, नांदेड़ में ही उनकी रिपोर्टिंग करवाएंगे। और यहाँ फ्लाइट का जो टाइम होगा उसके टाइमिंग को मिलाते हुए यहां से हम उनको वहां ले जाकर डायरेक्ट एयरपोर्ट पर लेकर जाएंगे, उनको कहीं और जाकर रुकने की वेटिंग की आवश्यकता नहीं है। आज में महाराष्ट्र भवन या सदन इस प्रकार से कोई प्रस्ताव आपने? मेरी कल्पना है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है, माननीय विनोद तावड़े जी से बात की है, विनोद तावड़े जी ने ग्रीन सिग्नल दिया है। आने वाले समय में अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार अपना वहां बिल्डिंग नहीं बनाती है तो हम जो हमारे हज यात्री महाराष्ट्र जा रहे हैं, जैसे इस बार 15,000 जा रहे हैं, अगली बार हो सकता है ये 20 हो जाए, तो 15 से 20,000 जो हमारे यात्री होते हैं उनके रहने की एक अलग व्यवस्था हम करने वाले हैं, जिसको महाराष्ट्र का एक नाम देने वाले हैं, महाराष्ट्र भवन की पहचान देने वाले हैं, जिससे हमारे हाजियों को लगे कि हम महाराष्ट्र में ही हैं, यानी मक्के में रहकर उनको महाराष्ट्र की फीलिंग आए, उनको होम सिकनेस ना हो, उनको रहने में सुविधा हो, ये व्यवस्था करने वाले हैं। क्योंकि हज का काम अब 3 महीने तक सीमित नहीं रहने वाला है, अब हम हज के साथ साथ बाकी टाइम उमरा भी शुरू करने वाले हैं, तो उसमें वो बिल्डिंगें हमारी इस्तेमाल हो जाएंगी। हज कमेटी की बजट दिया जाता था एनजीओस को 50,000 के आसपास, साल भर में तरबियत कैंप वगैरह, तो वो लोग उसमें अपना पैसा डाल के जो है तरबियत कैंप लेते थे, एक्स्ट्रा खर्चा लगाते थे, अब आपका वो खर्चा कैसे पूरा होगा? नहीं, अभी तक मुझे दुख है इस बात का कहते हुए कि एक हाजी को ट्रेन करने के लिए, यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कंपल्सरी 3 ट्रेनिंग कंपल्सरी किया हुआ है हाजियों का, 3 ट्रेनिंग के लिए जो बजट था वो 100 रुपये था, मतलब मुमकिन ही था, उसमें तो चाय भी नहीं पी सकता आदमी। और जो हमारा स्वयंसेवी संस्था का भाई होता था वो अपने पैसे लगाकर उनको ट्रेनिंग करता था। इस बार हमने जो हमारी बैठक हुई 12 जून को, उसमें हमने एक हाजी को ट्रेनिंग देने के लिए 900 रुपये का बजट सैंक्शन किया है और उसको मंजूरी भी करवाने वाले हैं। आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार के इंतजाम से, महाराष्ट्र सरकार के पैसे से हम हाजियों को खिदमत देने वाले हैं। अभी हम कहीं किसी के सामने हाथ दिखाने वाले, ये जिला कमेटी हाजी दोस्त जो हमारी स्वयंसेवी संस्था है, हमने इनको निमंत्रण दिया है, हम आपके माध्यम से भी निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि ये नई बॉडी बन रही है, इसमें हम लोग चाहते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं जो सेवा करने का अनुभव रखते हैं, जो सेवा करने का जज्बा रखते हैं।